वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 एग्जाम। अगर आप 2021 के बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे क्वेश्चन की तैयारी भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं और इस साल भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो गाइस, एक चीज और, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसमें 80% नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में ही मिल जाएंगे। आपको बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे सारे नोट्स जो है वो आप लिख सकते हो, रिटर्न नोट्स है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हर यूनिट से मैं आप लोगों को 5 से 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। हालांकि एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए मैं अलग से इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही जो है वो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। और एक चीज और गाइज, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हालांकि ये हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी के यूनिट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले यूनिट में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वाला हमारा ये चैप्टर है, हो सकता है आपके यूनिट 1 में एसिड बेस वाला चैप्टर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं यूनिट का नाम बता करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताऊंगी, ताकि आप यूनिट 1 यूनिट 2 इसमें जो है वो कन्फ्यूज ना हो। तो आपका यूनिट 1 चैप्टर का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां से करना है, चतुष्फल के संकुलों में डी ऑर्बिटल्स के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए। 3 मार्क्स के लिए आते हैं, नोट्स भी बना हुआ है। एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ईजी है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ट्रांस प्रभाव क्या है, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट। ये भी आपके लॉन्ग टाइप में आते हैं, 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में आपको पढ़ना है अष्टफल की संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन समझाइए, एक्सप्लेन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स आपको मेरे चैनल में मिलेंगे, ये जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 5वें नंबर पे है वर्ग समतली संकुल में डी ऑर्बिटल के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी। तो ये क्वेश्चन है गाइस यूनिट 1 से, अगर आप तैयारी कर रहे हो और भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। तो चलिए यूनिट 1 तो हो गया हमारा, अब यूनिट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 का नाम है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो चुंबकीय गुण वाला जो आपका चैप्टर है वो है। तो सबसे पहला है ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख को समझाइए, एक्सप्लेन ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। तो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड वो आपको जो है वो पढ़ना है। और ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं गाइस, तो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका चुंबकीय सुग्राहिता मापन के लिए किसी एक विधि की विवेचना कीजिए, डिस्कस एनी वन मेथड फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका Ti H2O6+ आयन के लिए एक मूल अवस्था पद ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉम्प्लेक्स या भी जो आयन है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उसके ग्राउंड स्टेट टर्म को बताइए, ये सब चीज जो है वो पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी भी आपको करना है। चौथा क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों को समझाइए, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। 5वें नंबर का है एलएस युग्मन क्या है, एलएस कपलिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी थर्ड ईयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। एलएस युग्मन क्या है, उदाहरण द्वारा एलएस युग्मन से प्राप्त पद संकेतों को स्पष्ट कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय एलएस कपलिंग, एक्सप्लेन द टर्म सिंबल ऑब्टेन्ड बाय एलएस कपलिंग विथ 1 एग्जाम्पल। तो ये भी आपको देखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यूनिट 2 से ये सब क्वेश्चन को आपको जरूर देखना है। तो चलिए अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 आपके चैप्टर का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को एक उदाहरण सही समझाइए, जिसे हम ईएएन कहते हैं। तो ईएएन निकालना जो है वो आपको आना चाहिए।
एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल विथ एन एग्जांपल। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, उसका आपको ईएन जो है वो निकालना होगा। तो जिसे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताई हूं, तो आप देखिए जरूर। सेकंड नंबर का है कार्बन लिथियम यौगिक के बनाने की विधि लिखिए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन लिथियम कंपाउंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर में है धातु कार्बोनिल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल कार्बोनिल। उसके बाद है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसे हम कैसे प्राप्त किया जाता है, किसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताना है। हाउ आर जिगलर नाटा कैटलिस्ट ऑब्टेंड, व्हाट इज देयर यूटिलिटी। पांचवा नंबर का है आईयूपीएससी नेम लिखिए, आईयूपीएससी नेम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा उसका आपको आईयूपीएससी नाम बताना होगा। यहाँ पे जैसे दो कंपाउंड दिया है आपको। छठवां नंबर का क्वेश्चन है कार्बधात्विक यौगिक क्या है, इनका वर्गीकरण समझाइए, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। तो यूनिट 3 से ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आपको करना है। तो चलिए गाइस अब हम क्या करेंगे, यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी एग्जाम में जो है वो आ सकता है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की संरचना समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। सेकेंड नंबर का है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, आपका नाइट्रोजन साइकिल भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पूछ लेते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिस्कस बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है क्लोरोफिल की संरचना समझाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है छारी एवं छारी मृदा धातु आयनों की जैविकी भूमिका का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन। पांचवे नंबर का क्वेश्चन है आपका मेटालोपोरफायरिंस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालोपोरफायरिंस। छठवें नंबर का क्वेश्चन है जैविक प्रक्रमों में आवश्यक एवं सूक्ष्म तत्वों के महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये भी आपको जो है वो देखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर में जो है वो आते हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए जो है वो आते हैं। चलिए अब हम यूनिट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 5 से आपका ये जो चैप्टर का नाम है मैं आप लोगों को बता दूं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, ये सारा ये इस यूनिट का नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो पहला क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जा सकता है कि कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत की विवेचना को समझाइए, HSAB थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन है सिलिकॉन्स क्या होते हैं, इसके बनाने की विधियां एवं अनुप्रयोग लिखिए, व्हाट आर सिलिकॉन्स, राइट देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशंस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, इनके उदाहरण एवं अनुप्रयोग लिखिए, व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, गिव एग्जाम्पल एंड राइट देयर एप्लीकेशंस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सहजीविता क्या है, समझाइए, व्हाट इज सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है फॉस्फेजिन पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन फॉस्फेजिन। छठवें नंबर का क्वेश्चन है ट्राई फॉस्फेजिन की संरचना की व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फॉस्फोजिन। ये तो हुआ गाइस आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपको जरूर देखना है, उसकी तैयारी भी आप जरूर कीजिएगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी नोट्स आपको चाहिए बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।